आलमी मालियाती फंड की हिदायत पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज को इनकम टैक्स में जम करके इनलैंड रेवेन्यू सर्विस कायम की है, जिस पर सेल्स टैक्स के अफसरों और एहलकारों में तहफुजात पाए जाते हैं और सेल्स टैक्स के एहलकार सरापा एहतजाज हैं, जबकि दूसरी तरफ इनकम टैक्स के अफसर इख्तियारात की हवस में सेल्स टैक्स के एहलकारों को दफ्तरों से निकालने पर तुले हैं। इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के एहलकारों की इस सर्द जंग में सबसे ज्यादा नुकसान कारोबारी तबके को उठाना पड़ रहा है। जबरदस्ती गुंडों के जरिए वहाँ पे हमारे जिनकी सर्विसेज 40-40 साल हो गई हैं, बुजुर्ग 50-50, 55-55 साल, ख्वातीन को धक्के देके इसके बाद वहाँ से निकाला। उसके बाद ये भी नहीं किया, उसके बाद ये एक लेटर हमारे इज्जत माफ कलेक्टर शफकत महमूद साहब के नाम बाई नेम लेटर लिखा कि अगर तुम्हारा इस बिल्डिंग से ताल्लुक नहीं। मुझे बताएं 73 के आइन में आर्टिकल 25 सेक्शन 3 में हर आदमी के बुनियादी हकूक हैं, ये क्या हो रहा है? हम अरबाब इख्तियार से पूछना चाहते हैं कि 90% रेवेन्यू हम कलेक्ट करते हैं, उसके बावजूद हमारे साथ ये ज्यादती। लाहौर टैक्स पर एसोसिएशन और टैक्स के शोबे से वाबस्ता दीगर अफराद भी सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन और रिफंड के केसेस फंसने पर शिकायत करते दिखाई देते हैं। लाहौर टैक्स बार के अरकान का कहना है कि इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के अफसरों में इख्तियारात और सीनियोरिटी की जंग से न सिर्फ कारोबारी तबके को नुकसान हो रहा है बल्कि काम ठप होने की वजह से टैक्स वसूलियों के अहदाफ हासिल करना भी मुश्किल दिखाई देता है। आपस की लड़ाइयों उसमें रेवेन्यू का बहुत लॉस हो रहा है, यानी जो अरबों रुपए कलेक्ट होने हैं वो कलेक्ट ही नहीं हो पा रहे और ये लोग बार बार कह रहे हैं जी ये मिनी बजट है कि मैंने बजट है कि भाई आपकी नलायकियों की वजह से कौम की उस चीज़ को भुगते हैं। टैक्स पेयर्स और जो भी बिजनेस कम्युनिटी है उसको जो भी डे टू डे उसके टैक्स के मसाइल होते थे कि सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवानी है तो वो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलना है, बाकी उसने कोई रिफंड का क्लेम फाइल करना है तो वो फाइलिंग के लिए, और ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो रिसीव नहीं हो रही। तो प्रैक्टिकली सेल्स टैक्स रिलेटेड जितने भी काम हैं वो रुक गए हैं और इस वक्त वो कोई काम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ओवरऑल बिजनेस कम्युनिटी और टैक्स के वकला जो हैं उन सबको बहुत मसाइल से आ रहा है और वो यहाँ पर रोज़ लाइन बना के खड़े होते हैं, हमने ये डॉक्यूमेंट देना है, ये काम करवाना है, लेकिन वो काम नहीं हो रहा। टैक्स के शोबे से वाबस्ता अफराद का मानना है कि इनलैंड रेवेन्यू सर्विस का क्याम महसूलात के अहदाफ हासिल करने में मददगार साबित हो सकता है, लेकिन अफसरों में इख्तियारात और सीनियोरिटी को लेकर तश्वीश कौमी नुकसान का सबब बन रही है। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ इमरान अदनान, सिटी 42।